मुदित, सुधीर और उदय जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:1:1, उनकी फिक्स कैपिटल है ₹4 लाख, ₹1,60,000 और ₹1,20,000। और जो इन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर वो है ₹1 लाख। बाद में इन्हें अपने कुछ ओमिशंस के बारे में पता चला कि जो ये लोग प्रोवाइड करना भूल गए थे, और इसके बिना ही इन्होंने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो ओमिशंस तो इस तरह से हैं कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2.5% पर एनम अलाउ नहीं किया गया। मुदित को सैलरी दी जानी थी ₹18,000, वो नहीं दी गई। उदय को कमीशन दिया जाना था ₹12,000, वो नहीं दिया गया। उसके अलावा मुदित को भी कमीशन मिलना था 6% ऑफ द डिजिटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वो भी नहीं दिया गया। तो आपसे कहा गया है अब कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करिए टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली। क्लियर बच्चों? तो वो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, उससे पहले बनाना पड़ेगा हमें एडजस्टमेंट टेबल, और उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा मुदित का कमीशन, जिसको निकालने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये ओपनिंग क्लोजिंग मैटर ही नहीं करता है, आपको इसी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। मुदित की सैलरी क्लियरली गिवन है, कमीशन टू उदय भी क्लियरली गिवन है, बस मुदित का कमीशन निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए पहले मुदित का कमीशन निकाल लेते हैं, ठीक है? फिर बनाएंगे अपनी एडजस्टमेंट टेबल एंड देन हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चों, जो इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो मुदित का आएगा निकल कर 1,60,000 का 2.5% होता है 4,000, और सुधीर का निकल कर आएगा, सॉरी, मुदित कैपिटल है 4 लाख, तो 4 लाख का 2.5% होता है 10,000। सुधीर की कैपिटल है 1,60,000, 1,60,000 का 2.5% 4,000, और जो उदय है उसकी कैपिटल है 1,20,000, उसका 2.5% होता है 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टोटल हो गया वो 17,000 है तीनों का मिला के। मुदित की सैलरी हमें पता ही है, वो है ₹18,000। उदय का जो कमीशन है वो है ₹12,000। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा ₹47,000। ठीक है बच्चों? यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उदय की मुदित की सैलरी और उदय का कमीशन सबको मिला दिया जाए तो ये सब मिला के 47,000 आ जाएगा। अब हमें मुदित का जो कमीशन है उसको निकालने के लिए जो फर्म का प्रॉफिट है ₹1 लाख, उसमें से इस 47,000 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन में ये कहा गया है कमीशन निकालने के लिए कि जो मुदित को कमीशन मिलेगा वो 6% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट नॉट नेट प्रॉफिट, 6% ऑफ डिविजल प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और डिविजल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो भी अप्रोप्रिएशन पहले दिए गए थे वो माइनस करने होते हैं। दैट्स वाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया, मुदित की सैलरी को माइनस किया और उदय के कमीशन को माइनस किया, ठीक है? और इंटू रेट अपॉन 100+ रेट करेंगे, क्योंकि कमीशन निकालने की कंडीशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नॉट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है बच्चों? तो ये आएगा 53,000 इंटू 6/106 करेंगे तो ये एग्जैक्टली निकल कर आ जाएगा बच्चों 3,000। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो ये पक्का 3,000 ही आएगा, ठीक है बच्चों? 2 3 जा 2 53 जा, तो 3 और 53, 53 से 53 कटा तो 1,000, ठीक है? 1,000 × 3 3,000 आ गया। तो हमने मुदित का कमीशन भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बच्चों? तो अब आ जाते हैं अपनी एडजस्टमेंट टेबल पे। तो अपनी एडजस्टमेंट टेबल में बच्चों सबसे पहला कॉलम बनाएंगे आप लोग पर्टिकुलर्स का, देन एक मुदित का, एक सुधीर का, एक उदय का, एंड लास्ट कॉलम बनाएंगे फॉर्म का। और जो जो हमें देना भूल गए थे वो देना शुरू कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% पर एनम के हिसाब से, जो कि मुदित का आया था 10,000, सुधीर का आया था 4,000, उदय का आया था 3,000। इन्हें क्रेडिट करेंगे फर्म को, डेबिट करेंगे 17,000 से। सैलरी जो है वो केवल उसको दी गई है मुदित को, वो है ₹18,000, फर्म को डेबिट करेंगे 18,000 से।
कमीशन जो है वो मुदित को भी दिया गया है 3,000 और उदय को भी दिया गया है 12,000। इन्हें क्रेडिट करेंगे, फर्म को डेबिट करेंगे 15,000 से। तो फर्म ने इनको दिया ही दिया है, इनसे लिया कुछ भी नहीं है। इवन जो प्रॉफिट था 1 लाख का वो भी फर्म ने इनसे वापस नहीं लिया, क्योंकि प्रॉफिट बटा तो सही रेशियो में ही था, दैट्स वाई। अब फर्म को ये सब चीज़ें देने की वजह से ओवरऑल लॉस हो रहा है 50,000 रुपये का, और फर्म इस 50,000 के लॉस को इन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और फर्म खुद तो क्रेडिट हो जाएगी 50,000 से, और इन्हें डेबिट कर देगी फर्म इनके रेशियो में जो कि है 3:1:1। ठीक है बच्चों, तो 30,000 से मुदित डेबिट होगा, 10,000 से सुधीर डेबिट होगा, 10,000 से उदय डेबिट होगा, और फर्म पूरे 50,000 से क्रेडिट हो जाएगी। अब निकाला जाएगा नेट इफेक्ट। याद रखिएगा बच्चों, जब फर्म सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है तो फर्म अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो भी फर्म ने इनको दिया है, ठीक है, वो फर्म के लिए लॉस था और फर्म ने अल्टीमेटली लॉस इन्हीं में बांट दिया और फर्म खुद अपना नलीफाइड हो गई। तो आखिरी समय फर्म को नलीफाइड करना ज़रूरी होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। फर्म का डेबिट क्रेडिट बराबर करना ज़रूरी होता है। अब नेट इफेक्ट चेक करेंगे तो मुदित का 18 और 10 28 और 3 31 और ये 30 है, तो 1,000 क्रेडिट आ गया। सुधीर का 4,000 डेबिट है और 4,000 क्रेडिट है और 10,000 डेबिट है, तो 6,000 डेबिट आ गया। उदय का 15 डेबिट है, क्रेडिट है और 10 डेबिट है, तो कुल मिला के 5,000 क्रेडिट आ गया। फर्म का नेट इफेक्ट नहीं लाएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब रही बात एडजस्टमेंट एंट्री की बच्चों, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी सुधीर्स करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित्स करंट अकाउंट टू उदय करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री जो पास की जाएगी वो करंट अकाउंट के थ्रू पास की जाएगी बच्चों, बिकॉज द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, और जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट से पास की जाती है, ना कि कैपिटल अकाउंट से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 72 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल, चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, और एडिशन ऑफ द बुक है 2023। क्लियर बच्चों?